ये सरकार चल रही है अपना डिफिसिट पूरा करने का, अपना घाटा पूरा करने का, और इनके बाजू में जो अधिकांश इनकी सरकार है, 8.17 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने लोगों के जेब से निकाल दिया। इन्होंने 11,45,000 करोड़ रुपया बजट है 19 करोड़ का, और लोगों से, हम लोगों से पूछ के, पूरे देश की जनता से 19 लाख करोड़ रुपया, ठीक से बात समझिए, 19 लाख करोड़ रुपया इन्होंने वहां सस्ता तेल मिलना था तो लोगों को सस्ता तेल नहीं दिया। ये कोई वादा नहीं पूरा किया, ये तेल पे सरकार चला रहा है और तेल पे चला करके दंगा करा रहा है, दलित को मार रहे, ये मजदूर के हक और हकूक को खत्म कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने वर्ष तक, हजारों वर्ष तक लड़ाई चली है, तब कहीं मजदूरों को हक मिला था। इन्होंने एडहॉक ये जो यूनिवर्सिटी के यहां लोग बैठे हैं, अभी बोल रहे थे आपके तल्ला, वहां एडहॉक 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 से क्या होता, एडहॉक में जो हक है हकूक है संविधान में, कर्मचारी के लिए, किसी भी अफसर के लिए, किसी के लिए प्रोटेक्शन है, वो खत्म। जो रिजर्वेशन है वंचित समाज का, वो खत्म, यानी मजदूरों का जो हक है। मैं ऊंचे तबके के भाइयों से कहना चाहता हूं, इन्होंने पार्लियामेंट से लेकर के देश भर में कॉन्ट्रैक्ट लेबर एडहॉकिज्म, इसमें ना लेबर लॉ लगता है, ना वंचित समाज के लोगों को नहीं, ना वंचित समाज के हक में। मैं उलट के कहता हूं, 5 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता, 10 करोड़ लोगों को, तो 5 करोड़ लोग ऊंचे तबके के लोगों को रोजगार मिलता, गरीब लोगों को तो 5 मिलता, लेकिन जो 15% दलित है, ऊंची बिरादरी के तबके के लोग हैं, उनको भी 5 करोड़ रोजगार मिलता। ऊपर से क्या कर रहे हैं, ये यदुरप्पा को होता, यानी आप मिला लीजिए दोनों का वोट, कांग्रेस पार्टी का और जेडीएस का, वहां की जनता ने इनको कांग्रेस का ज्यादा वोट है, कर्नाटक की जनता ने इनको भारी वोट से, 55% वोट से इनको हराने का काम किया, और वहां धक्का मार के गवर्नर के चलते ये सरकार बनाने का काम कर रहे हैं, संविधान को कुचलने का, इससे बड़ा कोई उद्धार हो सकता है। ये जो बिहार है, 11 करोड़ लोगों ने, ये रमई नाम जी बैठे हैं, ये 10 साल उदय नाम चौधरी ये बैठे हुए, पूरी भारत सरकार गई वहां, बड़ी कठिनाई से हमने भाग लिया, सारी पार्टियों को मिलकर बना, आरजेडी जेडीयू और कांग्रेस पार्टी को बाजी, 2/3 बहुमत से जनता ने पूरी सरकार गई, प्रधानमंत्री गया, मंत्री गया, उसका सारी सरकार राज्य सरकारें गई, बिहार की बहादुर जनता ने 2/3 बहुमत से, जो बीजेपी इतना रही थी हर जगह जीत रहे हैं, उसके विजय रथ को चूर चूर कर दिया, कुचल करके धरती बना दिया, और हमारा साथी जो जेडीयू लेकर के मंत्री मुख्यमंत्री एमएलए
ये सब जो है वो 11 करोड़ लोगों का विश्वास हमको था महागठबंधन। उस विश्वास को कुचल करके हमारे जो मुख्यमंत्री है बिहार के, वो कहते थे मैं मर जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा कभी भी बीजेपी में, नहीं जाऊंगा उनकी बूथ, जिंदा रहते उनकी बूथ में बैठ के। इसलिए यहां आप सब लोग इसलिए खड़े, हम लोग तो पूरे देश में दूसरा काम कर रहे हो, लेकिन इस आदमी ने हमारे पुरखों की इतनी बड़ी विरासत है, इतनी कुर्बानियां हैं, 42 से लेकर समाजवादी आंदोलन ने हर जगह संकट में खड़ा होकर के, इमरजेंसी लगी तो चार फंडाली से लेकर के हम सब लोग उसके खिलाफ। इस पार्टी में ठंडुआ महात्मा बोले, बाबा साहब, आचार्य रंजो, जय प्रकाश लोहिया, कर्पूरी ठाकुर, ये सब लोग जो है वो पद नहीं पाए। याद रखना कार्यकर्ताओं, ये इसलिए जो कबीर ने कहा है उसको कभी मत भूलना कि जो परमात्मा है या प्रकृति है उसने बड़े जतन से हमको बनाया, उसमें ऐसा जीना है कि कोई दाग न लगे। ये हमारे नेता जो है उनके ऊपर कोई दाग नहीं है, चाहे वो लोहिया हो, चाहे महात्मा फुले हो, चाहे डॉक्टर लोहिया हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे मधुबे हो, मधु दलवते हो, चाहे जिसका भी मामा बालेश्वर लाल हो, उनके बहुत लोग यहां आए हुए। ये वो लोग थे अनवरत हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े, आजादी खतरे में आई तब लड़े, हमारे पुरखे विरासत में ले गए कि देश जब संकट में आएगा तब हम खड़े मिलेंगे, जब भी देश पर कोई संकट आएगा तो सबसे पहले इसी पार्टी के पुरखे हैं जो खड़े होते रहे, वही परंपरा हमारी। और यदि कबीर ने जो दर्द से तकलीफ से समाज बनाने के लिए बात कही है कि छीनी छीनी पीनी चंद्री, जैसे जुलाज होता है वो सूत सूत करके बीन बीन करके चादर चादर बनाता है, इसी का देता है कबीर कि छीनी छीनी पीनी चंद्री, दास कबीर जतन से उड़ी जस की तस रख दी चंद्री। यह हमारे पुरखों का इतिहास, कोई कहता है ईमानदार लोग नहीं, अरे बेईमान लोगों ने यह चला के रखा है। हिंदुस्तान में जिस पार्टी का मैं, ये फतेह सिंह है, इस पार्टी में वे लोग बहुत बैठे हैं, 7 बार का एमएलए है, चले जाओ झोपड़ी में हल्का मकान मिले, एक नहीं हजारों। ये जितने नेताओं के नाम गिना, कोई है माई का नाम जो एक भी उंगली उठा के बता दे कि इन्होंने कोई किसी तरह का, जो चलता है कि सब एक से है, ये बेईमान लोगों ने चला के रखा। 45 साल से हिंदुस्तान की राजनीति में है, कोई है हमारी कला बता दे उंगली उठाने की, शरद यादव ने कोई एक एक जब इमरजेंसी लगी तब मैंने इस्तीफा, हवाला जब जवान लगाया इलीगल लगाया गलत लगाया, हमें क्या मालूम कौन चलता कौन आपको दे रहा। एक आदमी चिवर भाई के साथ आया और हमको चंदा दिया 5 लाख, सब लोग बदल गए, हम अकेले आदमी थे, हम अपने पुरखों की याद रखते, उनकी लाज उनका सम्मान याद रखते, हमने कह दिया कि हम इस्तीफा देते हैं, जब तक हम मैदान में निकलेंगे तब तक मैं पार्लियामेंट के भीतर जाने का काम नहीं करूंगा। 4.5 साल, चाहे ये व्यापारी है, चाहे ये मजदूर है, चाहे ये नदी है नाला है, चाहे ये सिपाही है,
इन सब के हक के लिए लड़कर के हम लोग, कोई माई का लाल नहीं है साढ़े चार साल जिसकी सजा हो। मैं कह रहा हूं कि हमारे पुरखों की विरासत को हम लड़ेंगे, मिट जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान के लोकतंत्र को आज हजार साल की धाजी लगा। पहले जो कुर्बानी किए हैं डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, बाबा साहब को पानी नहीं भरने दिया जाता, तालाब में नहीं जाने दिया जाता, ये हम्पी रिमेले बने, ये भगत सिंह, ये सुभाष बाबू, ये झांसी की रानी, ये टीपू सुल्तान, कौन एमएलए एमपी बना, ये कुर्बानी नहीं की है हमारे लिए, इस कुर्बानी के चलते जो हम ये लोकतंत्र में है, कुर्बानी के चलते सर ज्यादा जैसे मजदूर किसान मजदूर के बेटे 45 साल से 11 भार मेरी हो चुकी, लोगों ने कुर्बानी की तभी को बना दी। अब ये आज संकट में संविधान में कहता हूं 19 में यह सरकार आ गई, बीजेपी की है, कोई गठबंधन की सरकार नहीं, कोई यूपीए नहीं, याद रखना आने वाली संतानें हमको सब लोगों को माफ नहीं करेंगी, यदि इसको नहीं हटाया ये लोकतांत्रिक जनता दल के अध्यक्ष जी, मैं आपके भावन तक इसलिए आया हूं कि हमको चाहे जो हो जाए ये सरकार यहीं से कसम लेकर उठना है, इस सरकार को यदि ये नहीं गई 19 में जीत गए तो ना सभा कर पाओगे, ना भाषण कर पाओगे, ना इकट्ठे हो पाओगे, ना हक की लड़ाई होगी, ना मजदूर की होगी, ना किसान की होगी, ना नौजवान की होगी, किसी का दर्द भी उठाने का हक नहीं। अनंत हेगड़े बोल चुका है कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, इसलिए आज का दिन क्या कल होगा, अरे हमारे पूर्वों ने भविष्य की चिंता होती तो आज हम सब लोग यहां आजादी भोगने होते, आजादी मामूली चीज नहीं होती, आजादी क्या कर रहे होते, आजादी पर्व है, आजादी इंसान का बोलने का और सबसे बड़ा सुकून है, यह आजादी लोकतंत्र जो है वो भारत कुर्बानी के बाद हमारे आता है, यह कुर्बानी पुकार पुकार के बोल रही है, जो लोग चले गए हैं ऊपर से पुकार पुकार के उनका सारा जीवन अलकार रहा है, उठो खड़े हो जाओ, ये बाबा साहब का संविधान पहली बार हमारे हाथ में आया है, इसे छूने नहीं देंगे, जो छुएगा इसके लिए जान छुपा करके लड़ेंगे। नहीं हटाया, मैं सब पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं 19 के बाद मौका नहीं मिलेगा, किसी को भी मौका नहीं मिलेगा, ऐसे लोग बैठ गए हैं कि भाषण कुछ देंगे और येदियुरप्पा को ओथ कराएंगे, येदियुरप्पा की ओथ के पहले यह उत्सव मनाएंगे, ये जाहिर करेंगे जीत गए जीत गए जीत गए, जीते वहां दूसरे लोग ये वो काम करेंगे, ये तो वानगी है, उस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं, अटल अडवाणी के जमाने में निजल नेशनल एजेंडा था,
नेशनल एजेंडा था। एक वर्ष से अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पर आ गई थी, एक वर्ष से अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे थे, उन्होंने सरकार छोड़ दी थी। ये साथ साथ आठ आठ, एक तरफ एसपी जेडीएस और कांग्रेस पार्टी का दोनों को मिला के कितना वोट, कितना संख्या होती है 117, इनकी कितनी है 104, कितने लोगों की संख्या कम है 8 लोग। एक तरफ इसी पार्टी का जो बिहारी एक वोट से हारता है, सरकार छोड़ता है, ये 8 वोट से हार करके गवर्नर जो है 13 वोट से पीछे है। 13 वोट के एक कांस्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख लगा लो, कितने लाख लोग होंगे जोड़ के बताओ, बड़े लाख नहीं ज्यादा होंगे। 13 MLA का 1.5 लाख लगाइए, जनादेश है उसको पूछा। बिहार में 11 लाख करोड़ लोगों ने जो आदेश दिया, जनादेश दिया, विश्वास दिया, नरेंद्र मोदी जी आपकी ताकत से बिहार के लोगों का विश्वास कोई नहीं हमत थी, कोई कुवत नहीं थी, कोई गलती मार जाता बेईमानी करता, आपने ये बेईमानी करा। बिहार के 11 करोड़ लोगों के विश्वास को आपने कुछ हुआ, दिल्ली की सरकार के ताकत से बिहार में ये हुआ। क्या एक बात कहो, हर समय इनके हर आदमी का ध्यान आता है, एक बात को पर चुका, यहां का मुसलमान अब कसम खाए कि यही देना है, उसे एक तरह से जीने का। आपको बताएं कि रमजान पर बिहार में जब धाधरी मस्जिद गिरी थी, ऐसी शानदार धरती है बिहार, एक दंगा नहीं हुआ था। लेकिन नीतीश जी आप जो है आप उनकी संगत में गए हो। इस रमजान पे क्या हुआ, अली अनवर चला गया। इस रमजान पर पूरा मुसलमान घर में बैठा, चारों तरफ औरंगाबाद में तांडव हुआ, गांव से लोग बुला करके उनको मारने का काम हुआ। ये धाधरी में भोजन के नाम पर भीड़ ने आ किसको मार दिया, क्या नाम था उसका, अखलाक को मार दिया, पहलू खा गए। यहां हरियाणा में आज हरियाणा के बहुत लोग आए, यहां हमारी पार्टी के अध्यक्ष है कमल जी, उन्होंने जाकर के यावी चंद्रशेखर बोल रहा था, वहां का पूरा मेल जो है वो पाकिस्तान जा रहा, गांधी जी आपने अंसर पर बैठे और उनको कहा कि इनको पंजाब और हरियाणा में एक मुसलमान नहीं बचा, ऐसा देश का बंटवारा। वो गाय दूध का धंधा करते, पहलू खान को इनकी हिंदू भाई ने दौड़ा दौड़ा करके कुचल करके उसको एक बूढ़े आदमी को, अबाध आदमी को दुधारू गाय ले जा रहे थे, उसको रॉयल बेमुंदा का मार दिया, लोगों को नंगा करके चमड़ा निकाल रहे हो। ये दिन भर एक आदमी को हिंदुस्तान में अखिलेश के लोग वन टेंथ 20-21 करोड़ है, ईसाई और
शिक्षक को जोड़ दो तो 25 कर दो। एक सबसे बड़ी अक्लियत जो है उसमें अक्सरियत जो है वो मुसलमान की, क्या बात है। तो हमारे देश का नागरिक एक टिकट इस पार्टी ने बीजेपी ने एक टिकट जो मस्जिद जाता उसको एक टिकट नहीं दिया। ये देश चल सकता है क्या मुसलमान? मैं अपने गांव गया, एक मोहम्मद इफ्का जो हमारे बगीचे लेता था वो मिलने आया तो बोला काम में आकर के पास में लेके भैया हमको भगाया जा रहा। ये मैं जो खड़ा हुआ हूं इस मुद्दे पे, मैंने जो हर तरह की दिक्कत भोगने का जो काम किया है वो इसलिए मैं कहना चाहता हूं दलितों किसानों बेकार बेरोजगार नौजवानों इंसानियत का कहीं भी किसी तरह से जात बिरादरी और मजहब से कोई किसी की इज्जत पर हाथ लगाए तो ये दंगा कराना चाहते हैं आपका फर्ज है। यदि ये दंगा करे तो इनका हाथ रोको। हम मुल्क बन चुका है, इनके पास कुछ नहीं है। ये दंगा करा के भारत का झूठ बोल करके भारत का राज देंगे। भारत की कुर्बानियों का, भारत के लोगों का विश्वास देकर के ये सरकार बनी और ये सरकार सिर्फ लोग दंगा करा करके सरकार में रहना चाहते हैं। कर्नाटक की जनता को मैं यहां से बधाई देता हूं, इनने बहुत प्रयास किया कि वहां की जनता बच जाए, लेकिन बहादुर कर्नाटक की जनता, मैं मानता हूं पैसे का बहुत बड़ा खेल हो गया, लेकिन वहां की जनता इनने कितनी कोशिश की हिंदू मुसलमान करने की, कोई तैयार नहीं। आगे आने वाले समय में याद रखना इनके प्राण एक ही चीज में है, जनता लोकतांत्रिक जनता दल के कार्यकर्ताओं, इनकी जान जैसे एक राक्षस की जान एक पिंजरे में बंद होते हुए थी, इनकी जान भी सिर्फ जो जिंदा है या जीत रहा है उसका एक ही कारण हिंदू मुसलमान। हिंदू मुसलमान से खेत में अनाज खान के जाए, रोजगार मिल जाएगा, बेकारी मिट जाएगी, व्यापार ठीक हो जाएगा, धंधा ठीक हो जाएगा, क्या होगा तंगे से, खेत में फसल ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या होगा तंगे से। देश एक बार बढ़ चुका है, इसलिए इनका एक ही काम है, एक ही जगह इनका प्राण है, लोकतांत्रिक जनता दल के भाइयों एक ही कसम लेके आओ, जिस मोहल्ले में हो जान सदा देना लेकिन दंगा नहीं होने देना, देश बचेगा, देश जरूर बचेगा। आप जिस दिन इंसान बन के खड़े हो जाओगे उसी दिन देश बचना शुरू होगा। समाजवाद का और कोई मतलब नहीं है, एक ही मतलब है आला इंसान, एक ही मकसद है। लोकतांत्रिक जनता दल के जो लोग हैं वो समाजवादी पुराने लोग हैं, समाजवाद का कोई और का हाथ है आला इंसान बनना, कोई फर्क नहीं करना, न जात मानना, न बिरादरी मानना, न मजहब मानना, तो इंसान बनने के लिए मजहब मानना, यह हमारा मकसद, यह हमारा रास्ता होगा। याद रखना राह और रास्ता बड़ा होता है, आगे बढ़ा इंसान बड़ा नहीं होता, रास्ता बड़ा होता, आदमी बड़ा नहीं होता, राह बड़ी। हमारे पुरखों की राह समरस माना था, हमारे पुरखों की न जात न बिरादरी न मजहब, इसके बंटवारे को हम लोग नकार करना चाहते हैं। जो दलित है उसके साथ कोई अन्याय हो, किसी तरह का अन्याय हो, देखो बाबा साहब तो दलित थे,
सबके लिए संविधान दिया हो, ये संविधान नहीं होता तो संविधान का घोटा होता। अकेला हूं मैं, कई मंत्री बनाए, कई मुख्यमंत्री बनाए, प्रधानमंत्री मैंने बनाया, लेकिन अकेला हूं। बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो यह संविधान हो रहा होता। सबका लाभ लिखा, सबका हक लिखा। यदि कई दलित या वंचित समाज के साथ किसी तरह का अन्याय हो तो जरूर चट्टान जैसा खड़ा होकर के उसको बचाने का काम करें। ये जो फिर लोग हमारे भाई हमारे साथ में हमारे लोगों में जात बिरादरी का बड़ा रोग है, इस रोग को मिटाना है। रोग नहीं मिटे तो लोगों की समझ चलूंगा जाए, जैसे दिल्ली पर जब चल रहा है तो मैंने देखा कि आरक्षण के मामले में रिजर्वेशन के मामले में बहुत लड़ाई होती थी, लेकिन लोगों ने मुझसे कहा कि जरूर आइए, हमारे सब झगड़े मिट गए, हम एक हैं। और रिजर्वेशन और नॉन रिजर्वेशन ऊंचे तबका और नीचे तबके सब लोग जो है एक साथ सबसे बड़ा तो मैंने कहा कि हमारी पार्टी का जो लोकतांत्रिक जनता दल है उसमें फतेह सिंह ये ऐसा आदमी है कि झोपड़ी से आया था झोपड़ी से जाएगा, ऐसे आदमी को यहाँ लोकतांत्रिक जनता दल का लोगों ने, इसलिए आपको सब कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ कि फतेह सिंह जैसे त्यागी तपस्वी अनवरत लड़ने वाले मामा जी के सबसे ज्यादा मामा जी के बाद यदि कोई नेता है जो भीड़ इलाका है उसमें छोटू भाई वसावा है, उसमें फतेह सिंह है। अभी उनका बेटा दिलीप सिंह आया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसा आदमी आपने लोकतांत्रिक जनता दल का बनाया, इसलिए ये जो धनागर में अदालत ने किया आप हम लोग याद के समझाओ के लोग गांव में जो दलित है उसका मोहल्ला मित्रों उसका मैं गांव में मैं जानता हूं जो ऊंचे तबके के लोग हैं दूसरी बिरादरी के लोग उनका कुआ अलग था और दलितों का कुआ जो है वो अलग था, यानी पानी पीने की बराबरी देश में नहीं है। तो ये संविधान जो है वो पाई हुई है, ये संविधान बराबरी में भी और इसके लिए अदालत में एक हथियार था, दलितों के पास एक हथियार था, SC ST एट्रोसिटी एक्ट एक कानून था, अदालत ने उसमें कई केस लगाए, जमीन और गांव में भी बहुत केस है, गांव में पुलिस प्रशासन सब चीज उनके हाथ में है, न खेत है न खलिहान है, सिर्फ शरीर है उनका, कोई भी कुछ चीज नहीं, उनका इज्जत भी नहीं, मान सम्मान सब वो लोगों ने छीना हुआ, संविधान ने उनको हक दिया। ये SC ST एक्ट जो है इसको अदालत कह रही है, अदालत के जो ऑनरेबल जज है वो नहीं जानते, वो गांव में नहीं रहते, इसलिए भारत सरकार से कहना चाहता हूं ऑर्डिनेंस लाओ, इस कानून में जो बदलाव अदालत ने किया है वो बहुत बड़ा गलत कदम है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाओ, एक हक मिला हुआ है, एक चीज है दलित के पास और ऑर्डिनेंस नहीं लाए तो 2 तारीख को आपने जो भारत बंद किया था वह भारत बंद जो है वो इसको हटाने के लिए कराई है, इसको हटा दें, ऑर्डिनेंस लाओ, बकवास मत करो, उसका हक मत छीनो, कुछ नहीं, उसके हाथ में एक हथियार था, उसमें कितनी है सजा है 1.5%, बाकी गुनाहों में सजा है 8%, 9%, 10%, और जो दलित का एक्ट है उसमें सजा होती है, सजा का रेट है वो 1.5%, कहाँ का कुछ कहाँ का अन्याय,
जो ऑनरेबल जज है उन्होंने जो कानून बनाया उनकी अदालत से इनको न्याय नहीं मिलेगा। आप जो है वो चालाकी मत करो, नरेंद्र मोदी जी ऑर्डिनेंस लाओ, उन्हें भी ऑर्डिनेंस नहीं लाते थे, एक वोट भी, एक वोट भी बीजेपी के कमल पर नहीं गिरना चाहिए, ये कसम से कहता हूं। ये हक बचाओ, ये हक बचाओ, ये हक बचाओ, याद रखना। ये हम जो जमात बैठे हैं ये इसलिए बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि मुल्क में आसन संकट है। जनता दल यूनाइटेड था, कई तरह की दिक्कत है हमारे साथियों के सामने। ये विनोद कुमार बैठे हैं, ये जनता दल में यूनाइटेड नहीं थे, लेकिन उनको गुनाहगार साबित करने के लिए उनको निकाल ही नहीं। ये हमसे बोले कि सरद जी मैं इस आदमी के नीतीश कुमार के बाजू में नहीं रहना चाहता, उन्हें मौत के दरवाजे पर मैं खड़ा हूं, इन्हें स्वर्ग के दरवाजे पर जाने के लिए खड़ा हूं। अंतिम उनको जिंदगी भर मैंने उसूल की राजनीति, इन्होंने कहा कि मैं इस आदमी की पार्टी में निकाल नहीं रहा, मैं नहीं रहूंगा, इन्होंने इस्तीफा दिया और केरल की जनता ने कि हमारे पास चुनाव चिन्ह नहीं था तो इनको चुनाव, ये काम क्यों किया, ये सारे लोग बैठे क्यों किए, ये आपका रमई राम, ये सात आठ बार का तो मंत्री है, नौ बार जीता है, इनके पिताजी रिक्शा चलाते थे, अब ये जो हक मारे जा रहा है ये आपका उदय राम चौधरी, ये अर्जुन राम, यानी बिहार के लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि ये लोग जो बिहार के लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो उसूल को हमेशा बिहार में खड़ा करके रखा। बिहार अनोखा, बिहार अनोखा सूबा है देश। मैंने कहा ना कि बाबरी मस्जिद के बाद कहीं दंगा नहीं हुआ तो तुम बिहार था, भाई जयप्रकाश ने ललकारा था, भाई चंद्रगुप्त ने पहला एक राजा एक बादशाह है जिसने विदेशी को मारा, विदेशी को मारा, ऐसे बात तो लोगों का इलाका है। उसमें नीतीश कुमार ने खात करके विश्वासघात करके बिहार की जनता को कलंक थी, अकेले बिहार की जनता की शानदार इतिहास को कलंक ने किया, पूरे देश भर में लोगों का, पूरे देश भर में लोगों का मान और सम्मान नीचे गिराने का काम, इसलिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और लड़ाई लंबी है, लड़ते हुए आजादी आई है, अब लड़ते हुए आजादी बचेगी, ये जान लें, ये लड़ते हुए आजादी बचेगी, लड़ाई है आगे, इसमें हमारा क्या होगा मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपना क्या होगा उसकी परवाह करने वाले जो लोग भी यहां हैं, जो संकल्प जान ले, मेरा मकसद जान ले, यहां कोई बनना है उस इच्छा से बचाना, यहां देश बचाना है इस इच्छा से, ये जो सपना किसी का हो तो ऐसा संकट देश, और ऐसा संकट पहले तो इमरजेंसी दिखती थी, अब तो दिखती भी नहीं, अघोषित इमरजेंसी, इसलिए ये खतरनाक, इसलिए आप सब लोगों से मेरा कहना है कि आप जो यहां आए हैं वो अपने अपने इलाकों में जाकर के इस पार्टी को इतना मजबूत बनाइए, बुलंद बनाइए कि जितने तरह का गुनाह हो रहा पूरे देश में वो गुनाह जो है वो छट जाए, कट जाए और कुचल दिया जाए, ये काम करने का काम हम लोग, इसलिए इस आयोजन में चाहे
है वो अरुण कुमार, जावेद रजा, चाहे वो बलवीर ठाकुर है, कमलवीर है राव कुमार की, संजय यादव, उनके साथ में बहुत लोग हैं, सबके नाम नहीं ले पाऊंगा, चंद्रशेखर दिन रात अनवरत यहां के कार्यकर्ताओं ने, सारे देश के कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन के लिए जो मेहनत की है, अभी भी जिस हाल में जितने लोग हैं उससे चार गुने लोग बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि ट्रेन से आए हैं, ट्रेन में भी बहुत 6 घंटे 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे ट्रेन चल रही है, ऐसा कभी अंधेर नहीं हुआ था, यानी रेल भी बंद है और इंसानों की इज्जत और आबरू भी खतरे में, ऐसा दौर कभी आया नहीं, जीएसटी हो, नोटबंदी हो, यानी हमारा पैसा 1000 का नोट 2000 में कर दिया, क्या मतलब है, क्यों किया, बैठे ठहरे सारी गरीबी गाय के नाम पर पूरे देश भर में पूरे के पूरे इलाकों में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ गई, सारे जानवरों की कीमत गिर गई, यानी दूध बिक रहा है, पानी के दाम ज्यादा है, पानी के बोतल के दाम ज्यादा है और दूध के दाम कम, ऐसा देश बन गया है, इसलिए ये देश को हर तरह के अन्याय को, हर तरह के जुर्म को, हर तरह की जाति को, हर तरह के जाल जंजाल को, झूठ को, फरेब को सबसे निपटना है, हौसला लेके लड़ना है, और जिनके पास हौसला होता है वही मुल्क बनाते, वही कौम बनाते, वही देश बनाते, इसलिए यहां से जाओ, जाओ यहां से, और जो वक्त मिले तो जितने भाषण हुए, जितने लोग हुए उसका एक बुकलेट बनाकर के आपके पास भेजेंगे, और इन्हीं बातों के साथ बहुत लोगों ने इसमें मेहनत की है, मैं सबके नाम नहीं ले पाता, लेकिन जिन लोगों ने सबने मेहनत की है, चाहे वो मंच पर बैठे हुए लोग, हर जिले के सूबे के लोग आए, बोल नहीं पाए, बोलना चाहते थे हम बोल नहीं पाए, समय की कमी के कारण माफी चाहता हूँ, जो जिला सूबे के अध्यक्ष हैं उनमें कुछ ही लोग मान भी सकते, केरल से 200 लोग आए, अब बताओ कितना पैसा लगा, तमिलनाडु से लोग आए, केरल से लोग आए, आंध्रा से लोग आए, ये किस मंशा से आ रहा है, हमारा देश बनेगा, हाँ अरे बहुत लोग प्रेमनाथ भी आए, जेडीएस के जो केरल से आए, जो दूर दराज के इलाके से नासिक से आए, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं, और जो उत्तर भारत से आए हैं, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हिमाचल हो, पंजाब हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, उड़ीसा हो, कोई सूबा नहीं है जिससे यहाँ आदमी नहीं आता, ये लोग एमएलए एमपी बनने वाले लोग नहीं, इस पार्टी के साथ उम्र बिता दिया है, पार्टी के साथ खड़े, लोग कहते हैं बीबीसी का पत्रकार मुझसे पूछ रहा है कि साधन नहीं है आपके पास क्या होगा, मैंने कहा हमारे पूर्वों ने आजादी के समय लड़ाई लड़ते समय साधनों का नहीं पूछा था, आज आजादी खतरे में है तो हाथ दो तुम्हारे शरीर तुम्हारे पास जवान तुम्हारे पास है, और जिस जवान में सच्चाई होती है धरती में उससे ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं होती, हमारे पास सच है, नहीं है गोली, लेकिन हम
हमारी बोली में सच्चाई और ईमान है। और ईमान आज नहीं तो कल खड़ा होकर के बोलेगा, वो तो आजादी के समय बोला था तब आजादी मिली थी, अब फिर से बोलेगा। और हमको उस सच्चाई ईमान को खड़ा करना सीखेगा। तो याद रखना आज बेईमानी का चारों तरफ दौर है, उसमें हमारी पार्टी को ही खड़ा होकर के इस बेईमानी के खिलाफ भी चल लगेंगे। अभी तो इनको हराना, चारों तरफ जाओ बीजेपी को हराओ। और बीजेपी जिन लोगों ने आज जो अगुवाई कर रहे हैं उनको हराना है, उनको सबक देना है। लोकतंत्र में जिस तरह वो कर रहे हैं, वो कहना है कि 24 घंटे चारों तरफ विदेश नीति पे वो आना था। याद रखना विदेश नीति पे सदा भाव के कारण यानी यहाँ प्रस्ताव नहीं हो पाया, लेकिन क्या हालत है विदेश नीति की, चारों तरफ कोई देश नहीं है जो हमारा दोस्त है। म्यांमार और बांग्लादेश को छोड़कर के बाकी देश में यानी छोटे से छोटा देश जिस व्यापार के साथ सदियों से मिलता है, चारों तरफ के मुल्कों से हमारा रिश्ता है। और ये आदमी चारों तरफ घूम रहा, दुनिया भर में घूम रहा, जय भाषण, रात को सोता ना दिन को सोता, दिन भर भाषण करता। अरे भाषण से क्या हो जाएगा भाई, भाषण और बोली, याद रखना बोली यदि सच्चाई के साथ नहीं है तो वो बोली बेकार है।